स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को विधायक रामनिवास रावत के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के पश्चात प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं मिष्ठान खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनिवास रावत जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न योद्धा के रूप में लोकसभा में भी अथक मेहनत और परिश्रम किया। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया है। आज दिनांक 8 जुलाई को रामनिवास रावत जी को महामहिम राज्यपाल ने शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री के रूप में अभिन्न अंग बनाया, इसलिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुख्यमंत्री का हृदय से आभार कि जिन्होंने जमीन से जुड़े हुए और अपने क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय नेता के नाते रामनिवास रावत को आज मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान किया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग बनकर के उन्होंने लोकसभा चुनाव में अथक मेहनत और परिश्रम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटों की जीत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आज आदरणीय रामनिवास रावत जी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का आज कैबिनेट के मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है महामहिम राज्यपाल जी ने, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार कि जमीन से जुड़े हुए और उस क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय नेता के नाते से आदरणीय रामनिवास रावत जी को जो आज अवसर मिला है मंत्रिमंडल में स्थान दिया, इसलिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।